तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दिशा की फ्रेंड्स, आज है आपका 1 जुलाई, और 1 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट का आपका CRPF ट्रेड्समैन टेक्निकल का जो एग्ज़ाम था, जिसका जो टाइमिंग था आपका 12:30 से अढ़ाई था, ठीक है, 12:30, 12:30 से 2:30 तक एग्जाम था, जो कि समाप्त हो गया है। तो इस शिफ्ट में जो भी आपके जीके जिस के प्रश्न पूछे गए, हिंदी के लगभग कुछ प्रश्न मिले हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, और इस वीडियो का जो PDF है फ्रेंड्स, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको वीडियो को अंत में मिलेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न नजर आ रहा है वो दोस्तों पूछा गया था आपका कि खानवा का जो लड़ाई है वो दोस्तों किसके किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि खानवा का लड़ाई है किसके किसके बीच लड़ा गया था। हम क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं कि खानवा का लड़ाई बाबर और डैस के बीच लड़ा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, खानवा का जो लड़ाई है बाबर के बीच लड़ा गया था और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो बाबर और राणा सांगा आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं राणा सांगा का, कि राणा सांगा कहाँ का शासक था। तो ये दोस्तों आपका मेवाड़ का शासक था, ठीक है। ये खानवा का जो युद्ध है आपका हुआ कब था, तो आपका 1527 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1527 ईस्वी में हुआ था। ये आपका जो खानवा जो गांव है वो आपका पड़ता कहाँ है, तो भरतपुर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि बाबर से संबंधित जितने भी युद्ध हुए हैं, बाबर मात्र 5 साल ही शासन किया था, आपको मालूम होगा। शासन की गद्दी पर कब बैठा था बाबर, तो 1526 में बैठा था। 1526 में कौन सा युद्ध करने के बाद बैठा था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो आपको बहुत बार बता चुके हैं, इब्राहिम लोदी के बीच, लोदी वंश का अंतिम शासक था, और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। इसके अलावा 1527 में भी आपको बताए थे कि खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध आपको बता दिए, मेवाड़ और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। 1528 में दोस्तों आपका चंदेरी का युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है। चंदेरी का युद्ध दोस्तों आपका 1527-28 में लड़ा जाता है। इसके अलावा 1529 में दोस्तों आपका घाघरा का युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो चार साल में जो युद्ध हुए थे, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट शिफ्ट में आपका 1 से 2 प्रश्न यहीं से बनेंगे। इसके अलावा 1530 में आपका क्या होता है, बाबर मर जाता है, ठीक है। बाबर मर जाता है तो बाबर का मृत्यु हो जाता है। इसका एक ट्रिक भी है, जो लोग ट्रिक जानते हैं वीडियो को कॉमेंट में बता दीजिए, इसका इस युद्ध को याद रखने का ट्रिक है जो कि क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा और साष्टांग प्रणाम और आपका पेबोस सम्राट के चुंबन की प्रथा शुरू किया है, ठीक है। तो आपको बता दें, सिजदा जो आपका शुरू करने वाला शासक था आपका बलवन था, ठीक है। बलवन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरा नाम इसका गयासुद्दीन बलवन है, ठीक है। मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश का ये एक शासक रहा है, ठीक है। इसके अलावा वो सिजदा की प्रथा का परिचय देने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। वो राजा को प्रणाम कोष के समान रूप में सिजदा यानी कि साष्टांग प्रणाम और पाइवोस शुरू किया था। तो पाइवोस भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया, इसको भी याद रखिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में हो सके तो पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सिजदा में, ठीक है, सिजदा में लोगों के घुटने टेकने पड़ते थे और सुल्तान का अभिवादन करना पड़ता था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि मोहम्मद गोरी के भाई का नाम क्या था। मोहम्मद गोरी के भाई का नाम पूछा गया था, या आपका पूछा गया था मोहम्मद गौरी किसका भाई था, ठीक है। तो अलदीन मोहम्मद, ठीक है, अलदीन मोहम्मद दोस्तों इसका आपका क्या था, राइट आंसर था, ठीक है। तो अलदीन मोहम्मद इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी के विषय में, तो मोहम्मद गौरी कौन था, तो मोहम्मद गौरी दोस्तों आपका भारत पे आक्रमण करने वाला आपका तीसरा मुस्लिम शासक था, ठीक है। कौन था, तीसरा मुस्लिम शासक था। इसके अलावा इसने कौन कौन सा युद्ध लड़ा था, तो इसमें 1191 में आपका कौन युद्ध लड़ा था, और 1191 में आपका तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था, ठीक है। इसके अलावा 1192 में आपका तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था। दोनों जो युद्ध थे किसके किसके साथ हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और आपका पृथ्वीराज चौहान, जिसे कि पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं, दोनों के बीच लड़ा गया था। प्रथम युद्ध में आपका विजेता बना था पृथ्वीराज तृतीय, और सेकेंड जो युद्ध हुआ था तराइन का 1192 में, उसमें विजेता बना था आपका कौन, तो मोहम्मद गौरी बना था, ठीक है। तो इससे आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा मोहम्मद गौरी ने क्या क्या था, क्या क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का राज्य सौंप कर ये खुद अपना चला गया था, जहाँ से भी अपना आया था अरब से, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका 1206 में आपका क्या करता है, मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश का स्थापना करता है, ठीक है। तो वही आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि आपका मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम पड़ता है गुलाम वंश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि
कि जबरन गवाही पर रोक किस अनुच्छेद से संबंधित है या स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं आप, ये किस अनुच्छेद संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 20 का खंड 3 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 20 का खंड 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 20 के खंड 3 में क्या है, तो किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर अनुच्छेद 20 का 3 हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 20 के 2 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 के 2 में है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा है जो कि दंडित नहीं किया जाएगा। ये कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 20 के खंड 2 में है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य है जो कि किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो में ही बताया था कि जो मौलिक जो कर्तव्य है कब जोड़ा गया है, कहाँ से लिया गया है और कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोड़ा कहाँ पर गया था, तो जोड़ा गया था आपका अनुच्छेद 51 के ए में, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य के विषय में हम लोग और बात करें तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन जब ये जोड़ा गया था आपका 1976 में तो उस समय इसकी संख्या कितना था, तो 10 था। तो 11वां आपका कब जोड़ा गया, तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देना मौलिक कर्तव्य होगा माँ बाप का, वो आपका अनुच्छेद 11वां है। वो आपका 2002 में जोड़ा गया था, उसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें आपका 6वां संविधान संशोधन हुआ था। इसको लिया किस देश के संविधान से लिया गया था सर, तो ये आपका यूएसएसआर, तत्कालीन यूएसएसआर अब रूस हो गया है, उस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। किसकी समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसको भी आप क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र जो घाटी है वो आपका कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जो घाटी है वो दोस्तों आपका असम राज्य में स्थित है, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, यह निकलता कहाँ से है, तो तिब्बत के मानसरोवर से ये आपका नदी है जो कि निकलता है और भारत तथा बांग्लादेश से होकर ये आपका बहता है। ठीक है, तो घाटी पूछा गया था, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बुग्याल जो घास मैदान है वो आपका कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड ऑप्शन में दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तराखंड का हिमालय वाला क्षेत्र है वहीं पर बुग्याल जो घास मैदान है वो आपका स्थित है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में हिम शिखरों की तलहटी पे जहाँ टिम्बर रेखा यानी कि पेड़ों की पंक्तियाँ समाप्त हो जाती है, वहाँ से हरे मखमली घास के मैदान आरंभ होने लगते हैं। आमतौर पर यह 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हैं और गढ़वाल हिमालय में इन मैदानों को ही बुग्याल कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बुग्याल हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, तो आईपीएल का जो सबसे महंगा खिलाड़ी है अब तक का वो आपका सेम करन है, तो सेम करन सर खेलता किस टीम की तरफ से है, तो ये खेलता है आपका पंजाब किंग्स की तरफ से। सर ये बीका कितना में था, तो बीका था आपका 18 करोड़ 50 लाख रुपए में। सर इससे पहले आपका कौन, इससे पहले आपका सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था, तो सेम्स करन से पहले आपका क्रिस मॉरिस सबसे महंगा खिलाड़ी था, उसको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था 16.25 करोड़ में। ठीक है, इसके अलावा आईपीएल 2023 की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो आईपीएल 2023 का जो विजेता है फ्रेंड्स वो कौन बना था, तो बना था आपका सीएसके, किसकी कप्तानी पे, तो महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। सर रनअप कौन रहा था आईपीएल 2023 का, तो रनअप है वो कौन रहा था, तो रनअप आपका रहा था गुजरात। ठीक है, इसके अलावा बोलिएगा सर कि पर्पल कैप किसे मिला था, तो पर्पल जो कैप है वो किसे मिला था, तो वो दोस्तों आपको मिला था यशस्वी जायसवाल को, आपका पर्पल कैप मिला था। इसके बाद अब बोलिएगा सर और पर्पल कैप सॉरी ये आपका मिला था ऑरेंज कैप। ठीक है, ऑरेंज कैप यशस्वी जायसवाल को मिला था सबसे ज़्यादा रन मारने के लिए, लेकिन पर्पल जो कैप है फ्रेंड्स वो किससे मिला था, तो वो मिला था आपका मोहम्मद शमी को। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है आपका वो पूछा गया था कि उपाधियों का जो अंत है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो उपाधियों का जो अंत है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 से संबंधित है, तो अनुच्छेद 18 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 16 क्या है, तो अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के संबंध में अवसरों की समता की प्रत्याभूति से संबंधित है। अनुच्छेद 19 क्या है, तो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद हम लोग बात करेंगे 17 क्या है, तो अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का अंश से संबंधित है। अनुच्छेद
14 क्या है, तो कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, या आपका अनुच्छेद क्या कहता है, 14 कहता है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 15 कहता है धर्म जाति मूल वंश पर सभी लोग क्या हैं, समान हैं। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 15 में संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 21 से जो क्या कहता है, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जीवन का अधिकार देता है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि किस राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवाएं जारी की है, तो किस राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवाएं जारी की है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा केरल। ठीक है, किस राज्य ने किया है, तो आपका केरल ने इंटरनेट सेवा है जो कि चालू किया है, तो राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। केरल में सभी के लिए इंटरनेट अब हकीकत बनने जा रहा है, क्योंकि केरल देश पहला राज्य बन गया है जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवा है। दरअसल राज्य में सरकार ने अपने स्वामित्व वाले केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फोन के नाम से शुरुआत की है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो आपका पूछा गया है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। ठीक है, नीति आयोग का दोस्तों पूरा नाम पूछा गया था, तो इसका जो पूरा नाम है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये आपका इस नीति आयोग का पूरा नाम है। हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में आपका इसका पूरा नाम हो गया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन स्थान। ठीक है, क्या है, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन स्थान। ये दोस्तों आपका इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी दोस्तों आपका 2015 को इसका स्थापना होता है। किसके स्थान पर होता है सर, तो ये आपका योजना आयोग था उसके स्थान पर ही इस योजना का, इस आयोग का जो कि आपका क्या होता है, स्थापना होता है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नीति आयोग के अध्यक्ष का, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपका पदेन प्रधानमंत्री होता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग के अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा इसके उपाध्यक्ष कौन है सर, तो उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो सुमन बेरी जी इसके वर्तमान में क्या है, उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा इसके सीईओ कौन है, तो हाल ही में बनाया गया है सुब्रमण्यम, B.R. सुब्रमण्यम इसके हाल ही में क्या बनाए गए हैं, सीईओ बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर अगर पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा, लेकिन शायद आपका पूरा नाम पूछा गया था तो आपका राइट आंसर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य ने जल बजट को पेश किया है, तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या होगा, केरल ही हो जाएगा। केरल ने जल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा भारत में पहली बार किसी राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट है जो कि बनाया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपका कि एशिया पावर इंडेक्स में आपका 2020 में भारत का स्थान है जो कि आपका कितना था। ठीक है, तो एशिया पावर इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें जो भारत का स्थान था आपका 4th था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका जो पूरा नाम है एशिया पावर इंडेक्स का, लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स है। ठीक है, 2021 के अनुसार ये 20 का रिपोर्ट है, 21 में आया था, भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में 100 में से 37.7 के समग्र स्कोर के साथ चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका कि हिमालय जो पर्वत है वो आपका किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन में आपका वलित पर्वत दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। हिमालय एक वलित पर्वत है जिसका जो निर्माण है लाखों वर्षों का इतिहास है। वो भारत पाकिस्तान चीन नेपाल भूटान के साथ सीमाएं साझा करता है जिससे इसके 5 पड़ोसी देश बनते हैं। वलित पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी पर 2 या 2 से अधिक टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती है। तो हिमालय पर्वत आपका वलित पर्वत का ही क्या है, तो उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका जगत जननी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत प्लस जननी इसका आपका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चाकू से फल को काटा गया इस वाक्य को रेखांकित का कारक क्या है, तो चाकू से फल काटा गया रेखांकित वाक्य में करण कारक का प्रयुक्त हुआ है, तो राइट आंसर आपका करण कारक प्रयुक्त राइट आंसर हो जाएगा। वाक्यों में से प्रसर्ग द्वारा अर्थ आ जाने पर यहाँ करण कारक का प्रयोग होता है। आपको मालूम होगा 8 प्रकार का कारण होता है। प्रथम जो आपका कारक है कर्ता कारक है। कर्ता ने आप बचपन में से याद किए होंगे, कर्ता ने क्रम को करण से के द्वारा संप्रदान कारक को के लिए अपादान से संबंध कारक का की के रा री रे अधिकारक में पर
संबोधन हे ओ अरे, ठीक है। 55 में आप इस प्रकार करके याद रखते हैं, तो इस प्रकार करके याद रख लीजिएगा। जहाँ भी आपको उपयुक्त लगे, क्वेश्चन बने, उसके अनुसार आप उसको सही टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था तीर के पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो तीर का जो पर्यायवाची शब्द होगा आपका बाण हो जाएगा, सर हो जाएगा, धनुष हो जाएगा, धनु हो जाएगा, असानी हो जाएगा, दीप हो जाएगा, सार हो जाएगा, वांचल हो जाएगा, प्राण हो जाएगा, निशान हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका तीर का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कोई भी आपका एक ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया होगा, जो कि आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इतना ही प्रश्न अभी तक आपके मिले हैं, बाकी और भी मिलेंगे, हम उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग मैथ के बारे में डिस्कस कर लें, तो मैथ का जो आपका इस अभी सेकेंड शिफ्ट का जो लेवल था, वो सेकेंड शिफ्ट का जो लेवल था फ्रेंड्स, वो आपका फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले आपका लो क्वालिटी का, फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले आसान देखा गया था, लो क्वालिटी का नहीं मतलब आसान देखा गया था। बात कर लेते हैं कितना किससे कितना प्रश्न आपका बना था, तो प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका दो प्रश्न देखा इस बार देखने को मिला था। टाइम एंड वर्क की बात करेंगे, तो टाइम एंड वर्क से भी आपका एक प्लस एक टाइम से एक मतलब दो प्रश्न आपका टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपका दो प्रश्न अभी भी देखा गया है। सुबह वाला शिफ्ट का ही आपका सिलेबस है, जिस प्रकार सुबह पूछा गया था एवरेज से दो, आपका मेंसुरेशन से 4 से 5 प्रश्न, मेंसुरेशन से आपका प्रश्न जो कि ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो 4 से 5 प्रश्न आपका मेंसुरेशन से। सीआई से दोस्तों आपका एक प्रश्न पूछा गया था, एसआई से भी एक, और आपका रेशियो से आपका दो प्रश्न आपका क्या किया गया था, पूछा गया था। तो ओवरऑल मैथ का देखें तो आपका इजी ही आया था, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करेंगे, तो रीजनिंग का जो आपका नॉन वर्बल जो क्वेश्चन है, आपका नॉन वर्बल से आपका पूछा गया था 11 से 12, ठीक है। 11 से 12 क्वेश्चन, जिसमें आपका मिरर एंड वाटर इमेज से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आया था। पेपर कटिंग एंड होल्डिंग से आपका 2 क्वेश्चन आया था। इसके अलावा आपका कंप्लीटेशन ऑफ फिगर से 1 क्वेश्चन आया था। इस प्रकार करके आपका रीजनिंग में प्रश्न जो कि पूछे गए थे। बाकी हिंदी का जो प्रश्न मिले हम आपने आपको बता दिया। रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न आया था आपका, इसके बाद समास भी आया था, मुहावरा भी आया था, और संधि समास का अंतर निकालने के लिए आया था। विशेषण से भी आपका प्रश्न देखा गया है, और वर्णमाला वर्तनी से भी शब्द आया है। रस और अलंकार से भी प्रश्न हिंदी में देखा गया है। तो ये दोस्तों आपका एक छोटा सा ब्रीफ एनालिसिस था आज के सेकेंड शिफ्ट का। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार का जो एनालिसिस है सबसे पहले आप तक पहुँच सके जैसे ही अपलोड हो। बाकी पीडीएफ आपको 2 लैंग्वेज में, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराया जाएगा। कहाँ पर कराया जाएगा, तो टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हमने आपको बोला था जिसके पास टेलीग्राम नहीं है वो व्हाट्सएप नंबर से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर आपका 7997374166 है, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप से भी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे प्राप्त करने के लिए CRPF लिखकर आपका एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट, ठीक है, एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट है जो कि आप बता दीजिएगा, तो आपको PDF है जो कि सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।